दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपका दोस्त चिराग, और यहाँ पे तगड़ी चढ़ाई है। ओ दादा 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 दादा, गाड़ी चढ़ गई है ऊपर, और ये है बुराड़ी का पुश्ता। दोस्तों काफ़ी टाइम से ना ब्लॉग व्लॉग आया नहीं था नया। चलो अभी नियर भाई जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत है ना ब्लॉगिंग कर लेते हैं। तो अभी थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग चल रही है, स्टार्ट कर दिए है। तो भाई ये बुराड़ी के ज़बरदस्त इलाकों में आता है, क्योंकि यहाँ पे है ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ज़बरदस्त। यहाँ पे मैच चल रहा था, अभी मैच क्लोज हुआ है। और ये बुराड़ी का पुश्ते वाला रोड है। तो दोस्तों काफ़ी देर बाद मुलाकात हो रही है, होप के सब लोग ठीक ठाक होंगे, सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में। बाकी आज मैं जा रहा हूँ रोहिणी साइड में, ये दूसरा रास्ता है रोहिणी जाने के लिए। एक रास्ता मधुबन चौक की तरफ से जाता है, ये जो रास्ता है ये थोड़ा सा हम जाएंगे हाईवे की तरफ से, क्योंकि ये खाली रहता है। और इस टाइम 6:30-7 बजे के टाइम पे कंजस्टेड हो जाता है पूरा का पूरा एरिया। सो मैंने सोचा कि यार यही वाला रास्ते से चलते हैं, थोड़ा सा लंबा है बट टाइम से पहुँच जाएंगे हम लोग, टाइम उतना ही लगेगा। तो भाई लोगों, कौन कौन कहाँ कहाँ घूमने चला गया, हम तो कहीं जा नहीं पाए हैं अभी 2-3 महीनों से। और मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल में कोई ट्रिप बन भी नहीं रहा है, और अगर बनेगा तो आनंद फानंद में ही बनेगा, मतलब सडनली। तो और सडनली कोई टूर बना तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो पीपल, और शूट करेंगे और अपने ब्लॉग पर शेयर करेंगे। बाकी ये वाला यार रास्ता बहुत बढ़िया है, अगर खाली मिलेगा रास्ता तो ये इतना बढ़िया रास्ता है। एक तरफ पूरा का पूरा खेत है, दूसरी तरफ यहाँ पर रिहायश है सारी, पूरा कॉलोनी है, और बीच में ये पुश्ता है। और यहाँ से अगर आप बिल्कुल लास्ट में देखो ना यहाँ वाले एरिया में, तो पीछे यमुना नदी बहती है। तो किसी दिन टाइम मिलेगा तो आपको ले जाऊँगा मैं, यमुना नदी भी दिखाऊँगा यहाँ से कि यमुना नदी का घाट कैसा है यहाँ पे और कितनी दूर पड़ता है। तो चलिए फटाफट चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग अगर मिल जाता है रास्ते में तो मस्ती करने के लिए। बाकी यार स्कूटी से जा रहा हूँ मैं, बाकी शाम हो गई है यहाँ पे, शाम होते ही लोग रनिंग, मतलब ये जो सुबह और शाम का टाइम है ना 5 से 7, सुबह हो या शाम दोनों तरफ है ना सेम ही टाइप का रहता है। और यहाँ पे सब्जी वाले बैठते हैं, लाते मंडी से हैं, बट यहाँ पे खेत वेत है तो लोगों को ये लगता है कि खेत से ही ला रहे हैं, बट ऐसा है नहीं, खेत से कोई कुछ नहीं बेच रहा है यहाँ पे, सब मंडी से आता है। लोगों को पागल बनाया जाता है, जैसे हाईवे पे पागल बनाते हैं, खेतों के किनारे पर लगा देंगे, बाग के किनारे पर लगा देंगे, हमको लोगों को लगता है वाह ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक फ्रूट है सॉरी, बट फ्रूट होता है वही मंडी वाला, कोल्ड स्टोरेज वाला, और हम लोग ले आते हैं। और भाई ओला उबर तो चल नहीं रही है, लॉस का लॉस हो जा रहा है दिल्ली का, ओला उबर बंद कर दिया दिल्ली में, पता नहीं एक्स वाई जेड रीजन से, कि सेफ्टी नहीं है, इलीगल है, लोग ज़्यादा हो गए हैं इस वजह से। अभी ओला उबर की राइड आ रही है, बट अभी राइड का ऐसा है कि राइड जो है ना वो मिल रही है खाली इलेक्ट्रिक व्हीकल को, जो ईवी है टू व्हीलर, दे आर दी ओनली वन हु इज अलाउड टू यूज ओला उबर इन दिल्ली, दे आर यूजिंग दी व्हीकल एज ट्रांसपोर्ट मीन। जनता ब्लॉगिंग कर रही है, देखो कितना खुला एरिया है यहाँ आस पास, एकदम खेत ही खेत है। लेटेस्ट कुछ कॉलोनियाँ भी कटी हुई है यहाँ पे अगर आप देखो तो। इस एरिया का पता भी किया था यार मैंने, आज ही पता किया है कि क्या रेट चल रहे हैं यहाँ पे, तो वही है 30, 27, 28, 25, एल कॉर्नर 32, 35, सही है। आज मैं मिला था आनंद भाई से, आनंद भाई हमारे कलीग हैं जिन्होंने पीछे की तरफ में एक प्लॉट लिया, उन्हीं से लिया है, उन्हीं से पता किया था उनके साथ ही जाके, F2 प्लॉट प्रधान निकले। देख रहे हो गाइस कितनी खेती बाड़ी, और यहाँ पे एक क्रिकेट अकेडमी भी है, एकदम जिंदा करती रहती है यहाँ पे।
क्योंकि पूरा का पूरा खाली रोड है, यहाँ तक शोर आ रहा है, इतनी तेज इतना लाउड है, पता नहीं। तो यार लास्ट जो हमने व्लॉग्स कुछ पोस्ट किए थे जहाँ पे मैं उत्तराखंड गया था अपने दोस्त के घर, उसमें उन वीडियोस पे भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, थैंक यू सो मच। और रणथंभौर का जो वीडियो है उसे भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो बस आप इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल थोड़ा बहुत ग्रो होता रहेगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज मुझे अर्निंग नहीं करनी है, मुझे खाली मेमोरीज क्रिएट करनी है कि हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे गए, कभी काम आएगा आगे। दोस्तों अंधेरा होने वाला है, शाम हो चुकी है, इवनिंग का व्लॉग हो गया ये, मतलब एक्चुअली कैमरा सेटअप करते करते ना, एक्चुअली कैमरे के अंदर मैंने कवर रिमूव किया है, बिकॉज कवर जो है ना उस पर स्क्रैचेस ज़्यादा थे, जिसकी वजह से वीडियो ठीक ठाक नहीं आ रहा था, दैट इज़ द रीज़न आई हैव रिमूव दी प्लास्टिक केस। और अभी मैं सिर्फ कैमरा माउंट करके जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि अकेले कैमरे से अगर वो हटाने के बाद मैं शूट करता हूँ तो क्वालिटी कैसी आती है। अब ये 2.7K पे 60 FPS पे मैं शूट कर रहा हूँ, आई डोंट नो हाउ द क्वालिटी कैप्चरिंग कैसी आ रही है कैसे नहीं, बट एक केस लाना है यार, अब कभी चांदनी चौक जाने का मौका मिलेगा ना तो वहीं पे ही मिल पाएगा उसका सेट। यहाँ पर ऑनलाइन मंगवा सकते हैं बट उसके या तो बटन इधर उधर होंगे या फिर पता नहीं सेट बैठेगा या नहीं बैठेगा, इसलिए मैं ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ। तो मैं किसी दिन कैमरे की मार्केट या चांदनी चौक जाना हुआ ना तो वो केस लेके जाऊँगा और सेम टू सेम केस कम से कम 2-3 ले आऊँगा, ताकि ये ख़राब हो तो कम से कम दूसरा हम यूज़ कर सकें। बाकी ये पूरा पुश्ता जो है आउटर साइड का पुश्ता है और ये सीधा सोनीपत वाला जो हाईवे है पल्ला पत्तावरपुर गांव के पास निकलता है और काफ़ी खाली रहता है ये रास्ता, किलोमीटर तो उतना ही है, टाइम भी लगभग उतना ही लगना है, तो बस खाली रास्ते से जानते हैं ना, घड़ी पे जाना है कहाँ जल्दी है। धीरे धीरे शाम हो जाएगी और फिर अंधेरा हो जाएगा। ये मैं नथुपुरा बतावरपुर पल्ला वाला चौक है, इधर जाते हैं तो नथुपुरा आ जाता है, बुराड़ी आ जाता है मेरे राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो आपका पल्ला बतावरपुर होते हुए आप सोनीपत तक जा सकते हैं। हर जगह कॉलोनियाँ कट रही हैं, इतना सारा रेजिडेंशियल एरिया हो गया, सब जगह रील बन रही है, फोटो खींच रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और दादा एक नंबर फोटो फोटो, जंगल जंगल वाला एरिया है। दोस्तों बताना आपको कमेंट करके कि ये लोकेशन कैसी लगी है आपको, और कभी छोटी मोटी राइड करने का मौका मिले ना तो इस तरफ आ जाना, मज़ा आता है काफ़ी। सर्दियों में तो बहुत बढ़िया लगता है, धूप देखने में भी और घूमने में भी, गर्मी में भी सुबह शाम करो खैर मज़ा आता ही है, वो कोई पसंद नहीं है। आपको लगेगा नहीं कि आप दिल्ली में हो, अगर इस एरिया में आएंगे तो, और इसके पीछे वाला जो रोड है राइट साइड पे जो पल्ला बतावरपुर वाला रोड है वो तो बिल्कुल ही ऐसा लगेगा आपको कि आप कहाँ ही आ गए, टिपिकल गांव
दोनों तरफ ट्यूबवेल चलते हैं, बीच में हम लोगों ने ट्यूबवेल की फ़ोटोज़ और वीडियोस भी बनाई थी, मैं दिखा भी दूंगा इस बारे में, ऐड कर दूंगा पॉसिबल हुआ तो, और आप देख के बताना कि कैसी जगह है, क्योंकि गर्मियों में बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। हर खेतों में मतलब जो भी खेत है, आप दूसरे तीसरे खेत पे जाओगे तो ट्यूबवेल चल रहे होंगे, वहाँ पे एक आधो आदमी रहते ही हैं जो ट्यूबवेल चलाते हैं, उनसे परमिशन ले लो और नहा लो, वो लोग मना नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि पानी तो चलना ही है, नहाना तो क्या है, साबुन लो लगा के तो वहाँ पर घुसेंगे नहीं, सिंपली पानी में डुबकियाँ लगानी है, पानी में पड़े रहना है, इंजॉय करना है, बस सिंपल। बाकी सामने हाईवे आ गया है और ये जैन मंदिर राधा कृष्ण मंदिर के पास निकलता है, जैन मंदिर थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, तो ये जो सामने टेंपल आपको दिखाया ना, ये है राधा कृष्ण टेंपल जो कि पल्ला प्रतापपुर वाले रोड पे है। ये भी अंधेरा हो गया है, पता नहीं वीडियो कैसी आएगी कैसी नहीं। ये सामने है राइट जाते हैं तो दिल्ली, लेफ्ट जाते हैं तो करनाल सोनीपत, और यहाँ पे मेन रोड को क्रॉस करने के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो अंडरपास से, या किसी भी कट से आप हाईवे चढ़ सकते हो दिल्ली के लिए। और ये देखो जी मंदिर राधे कृष्ण टेम्पल, जय हो श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण हनुमान मंदिर, जीटी करनाल रोड, बूढ़पुर गाँव। अंडरपास है, आप रोड क्रॉस कर सकते हो दूसरी तरफ जाने के लिए अगर सोनीपत जाना होता है।